मैं हूँ अनामिका सिंह। इंडियन न्यूज के टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत है। जिंदगी की जंग हार गई उन्नाव बलात्कार पीड़िता सफदरगंज अस्पताल में तोड़ा दम। जी हाँ, उन्नाव की रेप पीड़िता जिसे बीते 5 दिसंबर को एयरलिफ्ट के जरिए गंभीर हालत में लखनऊ से दिल्ली की सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया था, वहीं शुक्रवार को रात को दम तोड़ दिया। उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय एक युवती को गुरुवार तड़के जलाए जाने की घटना हुई थी। अस्पताल के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सर्व कुमार ने बताया, हमारे बेहतर प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। शाम में उसकी हालत खराब होने लगी। रात 11:10 पर उसे दिल का दौरा पड़ा। हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन रात 11:40 पर उसकी मौत हो गई। वहीं कुलभूषण यादव तक सीधे राजनयिक पहुंच के लिए पाकिस्तान के संपर्क में भारत। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि कुलभूषण यादव को तुरंत प्रभावी और निर्बोध राजनयिक पहुंच दी जाए और इस मामले में भारत पड़ोसी देश के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क में है। पाकिस्तान ने सितंबर में कहा था कि यादव को दूसरी राजनयिक पहुंच नहीं दी जाएगी। इसके बाद भारत ने कहा था कि उनके मामले में वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह लागू कराने का प्रयास जारी रखेगा। वहीं निर्भया के दोषियों की फांसी पर फैसला अब राष्ट्रपति के हवाले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दया याचिका खारिज करने की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के 2 दिन बाद यह कदम उठाया गया है। एडवांस टैक्स की वसूली पिछले साल के मुकाबले करीब 15% कम रह सकती है, इससे काफी पीछे। कर वसूल के मोर्चे पर सरकार को एक और झटका लग सकता है। चालू वित्त वर्ष 2019 से 2020 में एडवांस टैक्स की वसूली पिछले साल के मुकाबले करीब 15% कम रह सकती है। निजी मीडिया चैनलों को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने अधिकारियों को वसूली बढ़ाने की दिशा में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को शाम को पुणे हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। पिछले महीने ठाकरे द्वारा भाजपा से रिश्ता खत्म करने और कांग्रेस एवं राकपा के समर्थन से महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार का गठन करने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी।